इंडिया ने आज धोखा कर दिया हमारे साथ, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो मैच मतलब किस तरीके से उनका मैच लूज होगा। गंदा काम किया इनको, पता नहीं क्या मसला क्या है। ये घर से बाहर जब भी कुछ सीन देखता है तो ये बाहर जाके फ्लॉप हो जाता है। फाइनल्स में इनको क्या हो गया, फाइनल्स में कैसे हार गए? फाइनल्स में बस इंडिया जो है, अब देखिए नॉकआउट गेम जो होती है ना वो बाय चांस गेम होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा डिजिटल के साथ मैं हूँ मीरब ज़ीशान। नाज़रीन, इंडिया हार गया? सीरियसली, इतनी बड़ी बात, इंडिया सारे मैचेस जीतने के बाद आज कैसे हार गया? ऑस्ट्रेलिया ने आज ऐसा क्या कर दिया? और बड़ा कोइंसिडेंस कि पहला मैच इंडिया का वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ था, आखिरी मैच भी ऑस्ट्रेलिया के साथ था, लेकिन आज हार गए। आइए इस हवाले से ज़रा आवाम की राय जानते हैं। बड़ा सपोर्ट करे थे ये तो इंडिया को, आज क्या फीलिंग्स हैं, क्या महसूस करें, आइए इस हवाले से बात करते हैं। इंडिया का पहला मैच भी ऑस्ट्रेलिया के साथ था और इंडिया का आज आखिरी मैच भी ऑस्ट्रेलिया के साथ था। पहला मैच इंडिया जीत गया था, आज ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, तो ऐसी क्या वजह थी कि आज इंडिया जो है वो कुछ भी नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया के आगे? देखिए ना, इसमें जो है ना, दो आपने क्वेश्चन सही किया है। इसकी वजह ये है कि पहला मैच इंडिया जीत गया था, ठीक हो गया, ऑस्ट्रेलिया वालों ने मेहनत बहुत की है, ठीक हो गया, इसी वजह से उनको मेहनत का सिला भी मिला। कुछ जो है वो सवालात उठ रहे थे इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने जो है वो पिचेस का उनको पहले से पता होता है, वो टॉस में भी थोड़ा बहुत कर जाते हैं, लेकिन आज देखा जाए तो आज ऑस्ट्रेलिया ने उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, तो ऐसी क्या वजह है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे थे वो क्या पहले तक थे, फाइनल में वो चीज़ें नहीं थी? नहीं, वो असल में ना मैंने वही बात की है, वो चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया कौन सा भी मुल्क है, प्लेयर को पता होना चाहिए कि यार ये पिच कैसी है, खेलना चाहिए उनको, खेलेगा तो पता चलेगा ना पिच कैसी है। वो ऐसे बातें बनी हुई है यार, उनको तरीका है, लेकिन हमें भी तरीका होना चाहिए, लेकिन इनको तरीका नहीं है। उनको पता था कि भारत में मैच हो रहा है, ये अपनी कारकर्दगी अच्छी करके जाते, अपना उधर टैलेंट दिखाते, ये बात थी। उनको नहीं पता चला ये हार के आ गए, बस ये बात। अब दुख होता है, हमें भी तकलीफ होती है कि यार इतने हमारे प्लेयर हैं, इतने अच्छे अच्छे हैं, लेकिन हार के आ जाते। फाइनल्स में अगर ये भी होते तो हमें खुशी होती, इंडिया पाकिस्तान को सामने देख के, लेकिन इन्होंने गंदा काम किया, इनको पता नहीं क्या मसला क्या है, कोई भी मैच जल्दी हार जाए दिल टूट जाता है, फिर इस पर ना ये देखते नहीं है मैच में, देखते ये बात है। इंडिया के पास ऐसी क्या ताकत है कि उनके प्लेयर्स में से अगर कोई प्लेयर नहीं परफॉर्म कर पाता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है, दूसरा नहीं करता तीसरा ले लेता है, पाकिस्तान में ये चीज़ क्यों नहीं है? वो असल में मैडम ये बात है, उनकी कारकर्दगी अच्छी है, वो प्लेयर अच्छे हैं, हमारे जो है ना ये प्रेशर इनके ऊपर इंडिया का शुरू से लेकर आज तक ये जितने भी मैच हुए हैं हार जाते हैं, फील्डिंग नहीं अच्छी करते, ये बॉलिंग भी नहीं अच्छी करते, वो दिल से काम करते हैं, जो भी करते हैं दिल से काम करते हैं। अभी उनका जो मैच हो रहा है वो ठीक कारकर्दगी हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत जाना है आज, ये बात है। पाकिस्तान बड़ी नील है, मुझे तो ये लगता है, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि मैच नहीं इतना अच्छा खेलते, मतलब ना फील्डिंग करते हैं, थक जाते हैं, जब बॉल पकड़ते हैं थक जाते हैं, बैटिंग भी नहीं होती, ये बात है। मैच ऐसे बाबर आजम भी फारा है। अच्छा, विराट कोहली आज कोई बहुत ज़्यादा मतलब सबको उम्मीद थी कि सेंचुरी करेंगे लेकिन वो नहीं कर सके हैं, तो क्या उसकी वजह ये है कि उनको सिर्फ अपनी जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था सिर्फ वही तोड़ना था? असल में ना ये फाइनल था आज, उन पे भी प्रेशर आ गया होगा कि यार फाइनल है, लेकिन ये बहुत संजीदा मामला होता है, उनके लिए भी पूरी वाम देख रही होती है, लेकिन आज उन्होंने अच्छी कारकर्दगी नहीं की, लेकिन ठीक है फिर भी बहुत अच्छे रहे हैं कि फाइनल में पहुंच गए हैं वो, ये लास्ट था, लेकिन वो आज हार गए कोई बात नहीं है, लेकिन वो अच्छा खेलते हैं, ये बात है, पाकिस्तान से बहुत अच्छा खेलते हैं। इंडिया वाले हैं जो प्रेशर है उनका, पाकिस्तान पूरे पे प्रेशर है, ये नहीं है तो वो 11 खिलाड़ियों पे ऊपर नहीं, वो पूरे पाकिस्तान पे प्रेशर। ये प्रेशर क्या शुरू से था, जब से शुरू से ही है। आज के मैच के मुतालिक आपके क्या तासुरात हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? दिल तो उदास होगा कि काश इंडिया के साथ पाकिस्तान होता, लेकिन फिर भी जो भी आज की कारकर्दगी थी आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान तो फाइनल में तब होता अगर इनके पास कोई लेजेंड प्लेयर होता, लेजेंड के अलावा मतलब कि कोई एक्सपीरियंस दार क्रिकेटर होता, बॉलर होता या बैट्समैन होता या कोई भी कीपर लगा लें, इनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। आपके ख्याल से कौन होना चाहिए था? कौन? मोहम्मद आमिर बॉलर होना चाहिए था। मोहम्मद आमिर होना चाहिए था, और इसके अलावा अपना बाबरिया होना चाहिए था, अपना नसीम शाह को इंसान नहीं लेके इनको उसके साथ लेके जाना चाहिए। नसीम शाह तो मतलब इंजरी थी ना उनकी, उनका तो मसला था भी ना हो, लेकिन साथ जाना चाहिए, वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है कुछ है, और इसके अलावा इनके पास कोई एक्सपीरियंस बॉलर या बैट्समैन नहीं है। बाबर आजम सिर्फ बच्चा है, ये सिर्फ PSL में हिट मार सकता है, वो भी उन बॉलरों को जो PSL में शुगर लगाने के लिए। बाबर ने इंडिया को मतलब हराया हुआ है, इंडिया को चाहे हराया हुआ है, लेकिन हमने इसकी बैटिंग पसंद करते, बच्चा है अभी, इसको ट्रेनिंग करनी चाहिए दोबारा, अगर
टाइम पे रनिंग में देगा तो अच्छा खेलेगा, लेकिन माशाल्लाह PSL में जो बैटिंग करता है वो अगर इस जगह करता तो इसका फकज मांगी जगह इसका नाम होता है बाबरा का। और इसके अलावा आरिश राव उसने 593 स्कोर खाया है पूरे टूर्नामेंट में। इसके अलावा अगर कोई लेजेंड एक्सपीरियंस बॉलर होता वो उनकी बैटिंग को चेस कर सकता था। बैट्समैन को यानी कि जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, इसके अलावा दो जो दो प्लेयर हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जिस तरह विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स की कमी है। इंडिया का मैच अफगानिस्तान के साथ मैक्सवेल एक अच्छा प्लेयर एक्सपीरियंस है, बाकी जैसे अफ्रीदी के दो नहीं, डेविड वार्नर है उनके पास, तो खैर इनके पास सारी पुरानी टीम है, नए खिलाड़ी नहीं है, ये नए खिलाड़ी बहुत कम रखते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं सारे। ये जो इल्ज़ाम लग रहे थे कि इंडिया ने पिचेस भी सारी उनको पता है, उन्होंने टॉस भी अपनी मर्जी से किया है, अंपायर्स खरीदे हुए हैं, ये सब इल्ज़ाम गलत है? ये मेरे ख्याल में सारी गलत है, क्योंकि हमारे जो प्लेयर हैं उनको उस तरह के शॉट मैंने देखे ही नहीं जो इंडियन प्लेयर मारते हैं ना, जो पुल वो रोहित शर्मा है, विराट है, शर्मा है, शुभमन गिल है, जैसे वो खेलते हैं एग्रेशन के साथ, हमारा कोई खिलाड़ी इस तरह खेल ही नहीं सकता। ये 65 मीटर का बाउंड्री भी उनसे पार नहीं होती। रोहित शर्मा के छक्के देखो, गिल के देखो, सारे उधर स्टैंड के बाहर होता है। जो हमारे प्लेयर हैं इनमें वो एनर्जी ही नहीं है कि बाउंड्री पार करे। एक चाचा इफ्तिखार है बस और एक फखर जमान, इनके अलावा कोई मुझे ऐसे हिटर ही नज़र नहीं आता पूरी टीम में कि बंदा उसे उम्मीद रखे कि यार ये जो मैच है इसमें ये चेंज कर सकते। मैच विनर खिलाड़ी नहीं है, अच्छे प्लेयर है, लेकिन मैच विनर सिर्फ एक दो ही है हमारी टीम। इंडिया के साथ तो ये है कि विराट कोहली अगर कर ले 50 पे 50 ही कर ले तो पीछे से सूर्य कुमार यादव आ जाता है, सरे सैयर आ जाता है, सब पावर हीटर है, पांड्या आ जाता है, तो वो सब स्ट्राइक रेट जो एवरेज होती है वो सब बरकरार रखते हैं ना, तो इसीलिए हमारे पास वो हीटर है ही नहीं। सब पीछे जो भी प्लेयर आते हैं वो बस मैंने कहा ना 65 मीटर 70 मीटर का बाउंड्री होते वो उनसे पार नहीं होती, तो क्या खाक हम जीतेंगे। इंडिया अपने सारे मैचेस जीतता आया, फाइनल्स में इनको क्या हो गया, फाइनल्स में कैसे हार गए? फाइनल्स में बस इंडिया जो है, अब देखिए नॉकआउट गेम जो होती है ना वो बाई चांस गेम होती है, आप ये नहीं कह सकते कि वो टीम बुरी हो गई है, वो देखिए अब एक मैच भी नहीं आ रहा और वो हार गया। नॉकआउट तो मतलब ना ऑन द डे किसकी लक बेहतर काम कर गई है, और काफ़ी ये मैटर हो जाता है फाइनल में, और इंडिया वैसे भी चौक कर जाती है फाइनल में अक्सर, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ कर गई थी और फाइनल में नॉकआउट स्टेजेस में इंडिया की प्रॉब्लम रही है। इवन के उनका जो किंग है विराट कोहली, उसकी भी आप देख लें कि अब नॉकआउट स्टेजेस पे चौक करते रहे हैं, नो डाउट बेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन नॉकआउट स्टेजेस पे उनकी भी रही है कि वो कहीं ना कहीं। आज का जो मैच था वो बड़ा ऑब्वियस था, समझ आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया आज कुछ कर जाएगा, और वैसे भी एक उनकी एक इमेज क्रिएट है कि ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाए तो इंडिया नहीं जीत सकता, तो क्या कहना चाहेंगे आज? वाकई में ही बहुत टफ हुआ मैच, जिस तरह से आपने देखा कि हम इंडिया की बैटिंग लाइन जो कि हर मैच के अंदर हर कोई आकर, शुभमन गिल देख ले आप विराट कोहली देख ले, हर मैच के अंदर 50 या सेंचुरी मार के जाते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने जैसे पहले के बताया कि उनका रिकॉर्ड इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, तकरीबन कोई 7-8 मैचेस हुए जिसके अंदर 5 तो ऑस्ट्रेलिया जीत चुका, 3 से 4 अगर बात करें 2 तो इंडिया जीता, लेकिन इंडिया का पता नहीं क्या हो जाता, इतनी टफ उनकी बैटिंग लाइन, इतनी टफ उनकी बॉलिंग लाइन, फील्डिंग भी सारी कैच ही नहीं पकड़े जा रहे यार उनसे, मैं तो हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन नो डाउट फाइनल तक आना भी बहुत बड़ी बात होती है, इंडिया ने बहुत 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 बड़ी एफर्ट की है, हमारी टीम देखें कि बीच में से ही हमें फाइनल भी नहीं दिखा पाई, उससे पहले बाहर हो गई। इंडिया का हर प्लेयर बेहतरीन प्लेयर है, चाहे वो बॉलर है, चाहे वो बैटर है, चाहे वो स्पिनर है, लाइक एनीबॉडी, लेकिन चर्चा सिर्फ विराट का होता है, रोहित शर्मा का भी उतना नहीं होता जितना विराट का होता है, इसकी क्या वजह है? देखें जी, जो अच्छा करता है उसी का चर्चा होता है, विराट ने जो इस वर्ल्ड कप के अंदर अचीव किया वो भी तो आपके सामने है, लेकिन उसने जब तक अचीव नहीं भी किया हुआ था ना तो बात सिर्फ विराट की होती थी। ऐसा ही है, मैं अगर विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर बात करें तो उससे हट के जो वो एज ए इंसान है वो बड़ा ज़बरदस्त है। देखें अगर हमारा कोई कैप्टन है, सरफराज की बात कर लें, अगर हम उसको पानी की बोतल पकड़ाते हैं सारा मीडिया शोर मचा देता, वो ये आपने क्या कर दिया, ये इसने क्या कर दिया, कैप्टन होके जाके लोगों को पानी पिला रहा है, वही विराट कोहली पानी की बोतलें उठा के लेके जा रहा होता है ग्राउंड में, और उसका वो एज ए इंसानियत के तौर पे जो काम करता है वो सबसे हट है, और जब बंदा इंसानियत के लिए काम करता है तो अल्लाह उसको इज्जत देता है। मैच ख़त्म होता है तो विराट कोहली आप देखेंगे दूसरी टीम के लोगों के साथ उठा बैठ रहा होगा, कोई आपको इंडिया के दूसरी तरफ से कोई प्लेयर और नज़र नहीं आता, ये विराट कोहली ही आपको जलसियाँ अपनी गिफ्ट कर रहा होता है, उनसे बातचीत कर रहा होता है,
पाकिस्तान के अगर आप मोहम्मद हारिस की बात करें, हारिस ट्रॉफ की बात करें, बाबर आजम की बात करें, तो अभी तक आप इंडिया में कितना वहाँ पे एक डेढ़ माह रह के आए हैं, तो आपकी सिर्फ वीडियो जो वायरल हुई वो विराट कोहली के साथ ही हुई है ना, और किसी के साथ तो नहीं हुई। वरना रोहित शर्मा भी आ सकता था, शमन गिल भी आ सकता था, मोहम्मद शमी भी आ सकता था, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं आया। तो भाई अगर वो ऐसे काम कर रहा है तो फिर अल्लाह उसको इज्जत दे। क्या लगता है कि हमारी टीम, हमारा बाबर आजम भी कमबैक कर पाएगा? इंशाल्लाह जी, देखें सबसे पहले बाबर आजम एज ए पाकिस्तानी हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमारा काम है उसको सपोर्ट करना। लेकिन बात यह कि मैं या आप सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन बाबर आजम खुद भी तो कुछ करें ना। मैं एक बात करता हूँ कि बाबर आजम, उससे कैप्टनी नहीं लेनी चाहिए थी, अभी उसकी एज ही नहीं थी उस तरफ जाने वाली। वो तीन चार साल अभी और खेलता, थोड़ा सा अपने आप को तगड़ा करता, मैच्योर होता, फिर उस तरफ जाता, तो आज उसके ऊपर इस तरह की बातें ना होती। असल तो उसके घर से भी बातें हो रही हैं ना, उसके कज़न भी उस पर बातें गा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ तो करेगी करेगी, जब उसके कज़न एक बड़े मीडिया चैनल पर बैठ के बोलेंगे तो फिर मेरे जैसे यहाँ पे और जो लोग हैं वो भी कहेंगे भाई वो देखो वो बातें कर रहा है, मुझे कौन रोक सकता है। पैट कमिंस ने बोला था कि वो 1.5 लाख के क्राउड को खामोश करवाएंगे, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी उनकी टीम ने दी है कि वाकई में वो 1.5 लाख का क्राउड जो है वो खामोश हो गया, 240 का टारगेट बने दिया, ऑल आउट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान से जब कोई ऐसी बात होती है, ऐसा कोई वादा होता है, तो उससे पूरा नहीं उतर पाते, हमारी टीम कमज़ोर क्यों पड़ जाती है हर बार? असल में वो सीन ये है कि जो पाकिस्तानी है वो सिर्फ बात करते हैं, उसका प्रैक्टिकल होमवर्क नहीं किया होता। और यूरोप कंट्रीज़ में या गोरा कोई भी है या कोई और, इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो अगर ये वही बात करते हैं जिसका इन्होंने होमवर्क किया होता है, तो इसीलिए वो जो बात करते हैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हमारा सिर्फ ये होता है कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटिक्स आपको पता है, आपकी क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, PCB के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे बयान देने पड़ते हैं, रखरखाव करना पड़ता है ताकि प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये घर से बाहर जब भी कुछ सीन देखता है तो ये बाहर जाकर फ्लॉप हो जाता है, घर में ये शेर है। जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ इंडिया परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देता जा रहा था, स्कोर पे स्कोर देता जा रहा था, विकेट्स पे विकेट्स लेता जा रहा था, इस बार इस टूर्नामेंट में फेवरेट प्लेयर कौन सा रहा इंडिया की जानिब से? देखिए इंडिया के वैसे तो जितने भी प्लेयर्स हैं सभी मेरे फेवरेट है। उसकी रीज़न ये है कि देखिए उनका कोई भी आप प्लेयर्स देखें, बॉलर है, बैट्समैन हैं, वो अच्छा खेलने वाले हैं, ठीक है, शुरू से लेकर अब तक। और ख़ास तौर पे इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने हर किसी प्लेयर्स ने कोई ना कोई रिकॉर्ड ब्रेक किया है। आप विराट कोहली की बात कर लें, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया 100 सेंचुरी वाला। उसके बाद आप अगर शमी की बात करें, उन्होंने 3 से 4 मैचेस के अंदर इतनी विकेट्स ले ली है कि हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स ने मुकम्मल टूर्नामेंट के अंदर उतनी विकेट्स नहीं ली है, ठीक है। रोहित शर्मा की बात कर लें, उनकी कैप्टनसी इतनी अच्छी है कि हर तरफ से उनकी मिसाल दी जाती है। तो प्लेयर्स शुभमन गिल की बात, शुभमन गिल देखें वो वही प्लेयर्स हैं जो 2011 में निकाले गए हैं, रोहित शर्मा भी 2011 में डिसलेक्ट हुए थे, ठीक है। आज उन्होंने ऐसा बैक किया और उन्होंने मिसाल कायम किया, ठीक है। शुभमन गिल वो प्लेयर्स बन चुके हैं जिन्होंने बाबर आजम का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है। हालांकि बाबर आजम एक हमारे सीनियर है उनकी निस्बत। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के आगे ऐसी क्या चीज़ जो है वो इरिटेट करती है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के आगे जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है? पहला मैच इंडिया के साथ तो वो जीत गया मतलब, लेकिन फिर भी आज के मैच में ऐसा क्या हो गया कि वो जो एक पावर थी, वो जो एक ताकत थी, वो थोड़ी सी कम नज़र आई? देखिए ऑस्ट्रेलिया वैसे भी बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, वो इंडिया के साथ कंपैरिजन अगर करें हम तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पहले भी 4 से 5 वर्ल्ड कप विन कर चुकी है और उन्होंने 2 दफ़ा रिकॉर्ड कायम किया, अनबीटेबल होके वर्ल्ड कप को विन किया, ठीक है। हाँ उनका स्टार्ट अब ऐसा था, हमें लग रहा था कि ये सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है, लेकिन उन्होंने जैसे बैकअप किया बहुत अच्छा किया है। उन्होंने जब साउथ अफ्रीका को 212 पे मतलब कि बुक कर दिया, हमें तभी लग रहा था कि इंडिया पर प्रेशर पड़ चुका है, और इंडिया के साथ वही सेम चीज़ हुई है कि इंडिया प्रेशराइज हो गया टीम, ठीक है। हालांकि उनकी अपनी ग्राउंड थी, अपना क्राउड, पब्लिक, हर चीज़ अपनी थी, जैसा कि हर मैच वो बड़ा इजी होकर विन करते रहे हैं, लेकिन आज का जो मैच था उसके ऊपर उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, वरना सोचा भी नहीं था कि इंडिया जैसी टीम 240 का टारगेट देगी, जितना अच्छा मतलब कि वो शुरू से खेलते आ रहे हैं, 400 तक का टारगेट देते आ रहे हैं, तो लेकिन न्यूजीलैंड वो है ना, न्यूजीलैंड को भी देख लें, और बुक भी मेरे ख्याल से पहली दफ़ा इंडियन टीम हुई है, वरना ये बुक करती है या कभी बुक नहीं हुई, तो मेरा दिल दुखा भी है क्योंकि आई विश के वो अच्छा खेलते और विन करते और हम सेलिब्रेट करते यहाँ, तो आज तो रोहित शर्मा भी नहीं चले, वो भी 47 पे ही मतलब के हो गए, शुभमन गिल भी नहीं चले, उनके जितने भी प्लेयर्स थे वो चले नहीं आते, तो विराट कोहली की भी सेंचुरी मुकम्मल नहीं हुई, वरना वो भी हमेशा से सेंचुरी करते हैं। तो मकसद ये है कि बस जो है ना, इंडिया ने आज धोखा कर दिया हमारे साथ, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो बैच मतलब किस तरीके से उनका मैच लूज होगा। जी जैसा इन्होंने कहा कि इनके आज दिल टूट गए हैं, इनको उम्मीद नहीं थी, इंडिया जहाँ इतने मैचेस जीतता आया वहाँ पूरी उम्मीद थी कि इंडिया आज भी जीत जाएगा, लेकिन पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के आगे क्या हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से चैंपियन रहा है और आज भी वो एक चैंपियन की शक्ल में हमारे सामने आए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।